अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए फैब्रिक फ्लावर लेकर आई हूँ। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले। ये फ्लावर मैंने बनाया है फैब्रिक पे, ये मैंने एक सूट पे डिज़ाइनिंग करनी है, उसके लिए मैं आपको फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। बाद में इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं आपको उसकी डिज़ाइनिंग बताऊँगी। ये तकरीबन 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैंने जो कपड़ा लिया है उसको डबल फोल्ड किया है करके। ये मैंने टफ बुकरम लिया है जिसकी गोल बनानी है मैंने ऊपर लगाने के लिए, जो जिस कपड़े पे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है उस वाला ये मैंने गोल बटन बनाकर ऊपर लगाना है ये टफ बुकरम से। व्यूअर्स, आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें, छोटा करें, बड़ा करें, जैसा बनाना चाहें। ये वाले इस कपड़े के ऊपर मैंने भैया प्लेन डिज़ाइनिंग करनी है, ये मैंने चकोर कपड़ा काट के रख लिया था, ये बीच में लगाया हुआ है। आप अपने हिसाब के मुताबिक अगर बटन लगाना चाहें, ये वाले फूल लगाना चाहें, जो चीज़ आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पे ऊपर फैब्रिक ही लगाऊंगी, फैब्रिक की डिज़ाइनिंग करूंगी। इसके बाद मैंने एक वाले ये फूल पे बना के मोती लगा के रखे हैं, लेकिन मैं बाकी ये प्लेन ही बनाऊंगी। बाकी फ्लावर आप अपने अंदाजे के मुताबिक। ये बॉक्स प्लेट जो मैंने अपने मेरे चैनल पर, आप विज़िट करें मेरे चैनल पे, आपको वेब बॉक्स प्लेट के बहुत सारी डिज़ाइनिंग मिलेगी, मैंने पहले बनाई भी है, आइडियाज़ वीडियो में दी है। ये देखें, ये एक ऊपर चुनट रखें और एक ये नीचे रखें ऐसे, ये बॉक्स प्लेट की ये अंदाजे। बारीक चुनट पे ये फूल अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि ये कॉटन पे है। हाँ, अगर ये रेशमी फैब्रिक पे होता, क्रेप पे या किसी ऐसी चीज़ पे, तो ये बिल्कुल एक बारीक चुनट पे भी बन जाता, ये कॉटन पे है। तो ये बॉक्स प्लेट बना के आप इसको 5-6 फूलों के लिए आप एक ही काट के कपड़ा उस पर बना के ये चुनटे बना के रख लें, और साथ के साथ आप जितना बनाना चाहें। मैंने इस ब्लू कलर का जो ये है खद्दर का कपड़ा, इसमें मैं आपको डिज़ाइनिंग बताऊंगी फूलों की, के फूल कैसे लगाए जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो वो लेकर आई आऊँगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए ये फ्लावर बना के आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये ग्लू गन है, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप ऐसा करें, ये 4 चुनट ये मैंने लिए, 4 चुनट इंतहाई कंप्लीट है ये, अगर छोटा फूल। हाँ, अगर वो बड़ा फूल, बहुत फिर बताऊंगी इंशाल्लाह, जो बड़ा फूल बनता है ये, वो मैंने जो चिप्स काटा था वो है। ग्लू गन नहीं है आपके पास तो हम सुई धागे से भी ये सब कुछ कर सकते हैं, जैसे रिबन के फूल बनते हैं सुई धागे से, ये गन लगा के, और साथ में एक ही तरह गुलाई में साथ साथ गम लगाते जाएं और साथ साथ उसकी सेटिंग करते जाएं। अगर सुई के साथ करें तो वो भी ऐसे ही होगा, साथ साथ सेटिंग करते जाएं और साथ साथ वो डिज़ाइनिंग बनाते जाएं। यहाँ से फोल्ड कर दें और नीचे वाला उसके साथ अटैच कर दें, और कर उसको दरमियान, ये यहाँ से पकड़ के दरमियान वाली साइड सारी सीधी कर दें। ये देखें, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब गुलाई में बिल्कुल अच्छी तरह बन गया है। अब हम इसमें गम लगाएंगे और लगाकर इसकी अच्छी तरह कर देंगे, और फिर वो जो मैंने फैब्रिक और हार्ड बुकरम काटा था, ये देखें, इस पे हम बुकरम पे लगाएंगे चिप्स, सॉरी गम लगाएंगे और लगाकर साथ में कपड़ा अटैच कर देंगे। ऊपर से भी लगा के हाथ से गुलाई के साथ इस कपड़े को साथ के साथ फोल्ड करते जाएं, ये देखें। और यहाँ अगर ये सुई के साथ नहीं, ये सुई के साथ फिर कभी बताऊंगी कि ये सुई के साथ कैसे होता है, ऐसे सुई के साथ तो नहीं सिलाई हो सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सुई के साथ ये वाला बटन कैसे बनता है, ऊपर गम लगाकर और उसको अटैच कर दें। जी तो व्यूअर, अब ये कंप्लीट हो गया, ये आपकी मर्ज़ी, आप इस मोती लगाएं ना लगाएं, ये डिज़ाइनिंग वो कमीज़ के साथ जो मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। देखें,
उस कमीज़ के साथ मैंने ये डिज़ाइनिंग करनी है, उसका ऊपर मैंने ये लगा दिया है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।